हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आपको राशन नहीं मिल पा रहा है तो आपको अब राशन आधार कार्ड के जरिए दिया जाएगा। तो आधार कार्ड के जरिए आप राशन किस तरीके से ले सकते हैं और कब से राशन आपको मिलेगा, इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों अभी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि जिन लोगों को इस समय राशन की जरूरत है या जो भी सुविधा उनको दी जा सकती है, उनको जरूरत है, वो सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाए। ऐसे में दोस्तों, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन लेने बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अब आपको राशन आधार कार्ड के जरिए दिया जाएगा। तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है, आपके उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जब आप राशन लेने जाएंगे तो उस ओटीपी के माध्यम से आपको राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये राशन आपको मई से दिया जाने वाला है। और मैं अब आपको बता दूं, अभी ये राशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिया जा रहा है, राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, क्योंकि मई से राजस्थान में ये सुविधा प्रोवाइड करा दी जाएगी। राजस्थान खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बोला है कि राशन कार्ड के जगह पर अब आधार कार्ड के जरिए सभी को राशन दिया जाएगा। क्योंकि राशन अगर आपको आधार कार्ड के जरिए दिया जाएगा, इससे आपको राशन लेने में पारदर्शिता रहेगी, आपको कितना राशन मिला है, कितना राशन नहीं मिला है, और सभी को बड़ी आसानी से राशन दे दिया जाएगा। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में ये नियम लागू होने के बाद किन किन स्टेटों में ये ऐसा किया जाता है कि उनको आधार कार्ड के जरिए राशन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सभी को राशन आसानी से मिल सकेगा। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या उनका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो उनको राशन लेने में फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज ये पता कर ले आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आधार कार्ड के जरिए राशन लेने की योजना है, इससे कितना फायदा मिलने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।